देखिए, ये बहुत ही कहना मुश्किल हुआ कि एक बार फिर एक नाथ शिंदे सीएम बनेंगे, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा हुआ, सीटों के बंटवारे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे वक्त में अगर उनका बेहतर प्रदर्शन होता है और एक नाथ शिंदे का बेहतर प्रदर्शन होता है और अजित पवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तभी गठबंधन मिलेगा, मैजिकल फिगर्स होंगे, इसके बाद वो सरकार बनेगी। राजनेता के लिए उनका जो जीवन था वो काफी मेहनत भरा था, क्योंकि हमने देखा, जो हम जानते हैं, जो हमने सुना है, कि थाने से एक छोटे से कार्यकर्ता, एक शाखा प्रमुख से सीएम तक का जो सफर है बहुत बड़ा सफर है। शिंदे साहब के लिए बेहतर ये रहा कि वो लोगों के बीच में रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ महाराष्ट्र। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 1947 में देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो उसके बाद देश की जनता के दिल में यही सबसे बड़ी भावना थी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब गुरबे का बेटा भी राजा बन सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में ऐसा हो न सका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनुश्री पाटिल। आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में ज़्यादातर ताकतवर परिवारों के लाडले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन 2022 में ये फॉर्मूला तोड़ा एकनाथ शिंदे ने। बेहद गरीब परिवार में जन्मे एकनाथ शिंदे 2.5 साल से महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। अब उनकी अगुवाई में ही एनडीए 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आज हम विरासत में बात करने वाले हैं एकनाथ शिंदे की। कभी वो स्वर्गीय बालासाहेब के परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे। उद्धव ठाकरे और परिवार के सदस्यों के साथ उठना बैठना था। थाने के बाल ठाकरे कहे जाने वाले स्वर्गीय आनंद दीघे के परम शिष्य एकनाथ शिंदे का रुतबा शिवसेना में बिल्कुल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसा ही था। इसका अंदाजा आप इसी एक घटनाक्रम से लगा सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी अलग हो गए थे। शिवसेना ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए बना ली थी। मुख्यमंत्री चुनने के लिए महाविकास आघाड़ी की बैठक हो रही थी। एमवीए में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के थे, इसलिए मुख्यमंत्री शिवसेना का चुना जाना था। शिंदे मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे। चुनाव के बाद शिवसेना विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें खुद आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा और वो शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए। इसके बाद तो उनके समर्थकों ने तो ठाणे में भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पोस्टर तक लगा दिए थे। लेकिन सरकार एमवीए की बन रही थी, इसलिए एमवीए की सहमति इस पर जरूरी थी। एमवीए ने शिंदे के नाम पर हामी नहीं भरी और आखिरकार कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में उद्धव ठाकरे का नाम आगे आया। इसके बाद शिंदे बैकफुट पर आ गए और उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिंदे के हाथ से बाजी निकल गई। देखिए, 2019 का जो अपने गणित था बहुत ही अलग था, क्योंकि उस वक्त जो हमने देखा था कि किसी ने नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, कोई और सीनियर लीडर्स है वो सीएम बन सकते हैं। एक पूरी अलग एपिसोड ही चल रहा था, जिस तरह से देखा गया था कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों एक साथ आएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे नाम थे लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं थे। शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी थी उस वक्त, वो उनके पास भी इतने नंबर्स नहीं थे। तो ऐसे में उनको एक सीनियर लीडर्स को सीएम बनाना था, जिसमें जो दूसरे पार्टी के जो बड़े लीडर है वो अंडर में काम कर सके, क्योंकि बाकायदा सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे को आगे किया जाए और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार चलाना उनके लिए बड़ा आसान हो सकता है। एकनाथ शिंदे वरिष्ठ नेता जरूर थे, लेकिन वो उस तरह का नाम नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री उनके अंडर में काम कर सके। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2019 का जो गणित बैठा उसे देखते हुए उनको दूर रखा गया सत्ता से, क्योंकि सबसे बड़ी पहल ये थी उद्धव ठाकरे के सामने कि किसी भी तरीके से सरकार बनाई जाए और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया जाए। एकनाथ शिंदे के साथ जो हम जानकारी से सामने आती है, उनके साथ चर्चा भी की गई थी इस बात को लेकर, क्योंकि इससे पहले जब देखा गया था कि जब शिवसेना और बीजेपी अलग हुई थी उस दौरान कुछ दिन के लिए एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेता भी थे, बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी और वो दावेदार भी माने जाते नंबर एक पार्टी में। लेकिन पार्टी के जो दूसरे दल है, जिस तरह से दबाव बनाया, उस दबाव को देखते हुए 2019 में मुख्यमंत्री के पद से एकनाथ शिंदे को दूर रहना पड़ा। 2019 में मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए एकनाथ शिंदे को ये कसक साल रही थी। इस कसक का उद्धव ठाकरे से उनके संबंधों पर असर पड़ रहा था। शिंदे के पास लंबा राजनीतिक अनुभव था। कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम करना उनकी मूल विचारधारा के अनुकूल नहीं था, इसलिए 2019 के 3 साल बाद वो हो गया जिसकी उद्धव ठाकरे या शिवसेना में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। एकनाथ शिंदे जून 2022 से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले सी वोटर और टीवी टुडे ग्रुप ने जनता की नब्ज टटोलने के लिए एक सर्वे किया तो उसमें जनता ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताया। आज की तारीख में सीएम के तौर पर उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस से भी ऊपर है। देवेंद्र फडणवीस जो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को बीजेपी को लेकर चलते हैं, उनके साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। अजीत दादा पवार जो एनसीपी के सर्वसर्वा बन गए थे और उन्हें भी साथ में लेकर चलना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था। और ऐसे वक्त में लोगों के लिए डिसीजन लेना, और जिस तरह से हमेशा वो दावा करते रहे जो पिछले 2.5 साल की सरकार ने जितने जीआर नहीं निकाले, जो निर्णय नहीं लिए, वो सारे हमने लिए, तो एक पूरा जो कम्युनिकेशन बनाकर चलना एकनाथ शिंदे की जो खूबियां थी, जिस तरह से उनको कहा जाता है कि सरकार में रहते वक्त भी वो जो पार्टी के जो दूसरे नेता थे उनको किस तरह से आगे लेके चलना है, इस बात पर वो बहुत ही ज्यादा जोर देते थे। और यही वजह थी कि जो उनका ग्राफ से लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने को सीएम नहीं कहा, उनके साथ एक लाइन हमेशा जुड़ती रही, कॉमन मैन, मैं कॉमन मैन हूँ, सी एम कॉमन मैन। तो कॉमन मैन बनके उन्होंने बाकायदा लोगों के लिए काम किया, जो एक अलग ही इम्पैक्ट हुआ। और जिस तरह से हमने देखा है कि सड़कों पर भी उतरते हुए कई बार नजर आए हो, तो बताने की कोशिश की कि मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ और मैं एक छोटा सा शिवसैनिक हूँ। अब जो उन्होंने एक भावनात्मक पूरा माहौल जो उनके लिए बना था, खास करके कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ अत्याचार हुआ है, जिसका फैसला अब शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो करेंगे, तो ये सारे जो पूरा एक एटमोसफेयर तैयार किया गया था, उस तैयार करने के बाद इसी को लेकर उन्होंने आगे किया। और जो चुनावी नतीजे आए, उस नतीजों में हमने देखा लोकसभा चुनाव में कि उनके जो स्ट्राइक रेट थे वो उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा बेहतर थे। कम सीटों पे सीटें लाना, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, ये मानना होगा। स्ट्राइक रेट के बल पर वो अक्सर कहते रहे कि हम नंबर वन है और हम ही असली शिवसेना है। शिंदे की ताकत की असली कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 2019 से, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 2019 में बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए था, दोनों का मिलाकर आंकड़ा 161 हो रहा था, यानी शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी तय थी। तभी मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हो गया। बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती थी तो वो अपना मुख्यमंत्री चाहती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार कह रहे थे कि चुनाव पूर्व गठबंधन के वक्त ऐसा ही करार हुआ था, लेकिन शिवसेना कह रही थी कि मुख्यमंत्री तो उसका ही होगा। संजय राउत शिवसेना की तरफ से मोर्चा खोले हुए थे, बीजेपी और शिवसेना की तरफ से बयानों के तीर चलते रहे और अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि बीजेपी का शिवसेना से 30 साल पुराना गठबंधन टूट गया। इस भ्रम को तोड़ने के लिए इससे बड़ी वजह बताई नहीं जा सकती, क्योंकि एक पूरा देश ने देखा कि एक पूरी पार्टी उनके तरफ हो जाती है। जो सीनियर लीडर्स जो कभी उद्धव ठाकरे के साथ चलते थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चलने लगे, तो कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर थी। साफ तौर पे नाराजगी सबसे बड़ा फैक्टर था। जिस तरह से जो हम जानते हैं उस आधार पर अगर हमने शिवसेना को देखा है, तो जब उद्धव ठाकरे पूरी पार्टी को लेकर एक्टिव हुए उसके बाद एकनाथ शिंदे को बड़ी जिम्मेदारी थी। कई मुश्किल घड़ी में संकट मोचन के तौर पर एकनाथ शिंदे ने काम किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो पार्टी के हालात बनते गए, उसमें आदित्य ठाकरे को आगे किया गया, आदित्य ठाकरे को मिनिस्टर बनाया गया, और धीरे 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 पार्टी की जो कमान है वो आदित्य ठाकरे के हाथ में आने लगी, तो सीनियर लीडर्स है उनमें नाराजगी का दौर फैलने लगा, और जो काम करने का जो उनका तरीका था उस तरीकों को लेकर भी नाराजगी, ये जो नाराजगी पनपने लगी, उस नाराजगी का एक इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि शिवसेना के दो पार्ट हो गए। सभी ने मिलकर एकनाथ शिंदे को नेता चुन लिया, और उसके बाद जब उन्होंने सरकार बनाई और ये बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र में अगर आपके पास बड़े ही नाम बड़ा हो, आपके सरनेम बड़े हो, आपके जो सियासत की जो जिम्मेदारियां हैं पुरानी वो बहुत बड़े हो, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत में मेजोरिटी बहुत अहम मायने रखती है, जो एकनाथ शिंदे के पास थी। तो ये कहना सच है कि राजा का बेटा राजा होगा, इस तरह की बातें जो भ्रम फैलाया जाता उसे तोड़ने की यहाँ पे साफ तौर पे कोशिश की गई और उसे तोड़ा भी, और 2.5 साल से भी ज्यादा सरकार में मुख्यमंत्री बनके सभी सीनियर लीडर्स को लेकर एकनाथ शिंदे चलते रहे। शिवसेना और बीजेपी अलग हुए तो तुरंत महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने नई चाल चल दी। शरद पवार ने शिवसेना को साथ लेकर महाविकास आघाड़ी बना डाली, जिसमें कांग्रेस ने 44 और एनसीपी ने सीटें जीत ली, और अब शिवसेना के साथ आने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के नेता के तौर पर महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने।
महाविकास आघाड़ी की सरकार में एकनाथ शिंदे कैबिनेट मंत्री बने, जिनके पास शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी से लेकर तमाम अहम विभाग थे। लेकिन एकनाथ शिंदे का एमवीए की सरकार में काम करने में मन नहीं लगता था। वो कभी इस गठबंधन को स्वाभाविक नहीं मानते थे। एकनाथ शिंदे का दर्द कई मौकों पर उभर कर सामने आया। एकनाथ शिंदे ने स्वर्गीय बाला साहेब और स्वर्गीय आनंद दीघे के साथ काम किया था, जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। एकनाथ शिंदे को अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम करना पड़ रहा था। हिंदुत्व की कट्टर लाइन लेंथ को कई मौकों पर तिलांजलि देनी पड़ रही थी। एकनाथ शिंदे बस मौके की तलाश में थे। वो महाविकास आघाड़ी से निकलकर फिर उनकी विचारधारा के नेचुरल अलायंस बीजेपी के पास जाना चाह रहे थे, और ये मौका आया साल 2022 में। जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना आपस में लड़ते रहे, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलती रही, तो महाविकास आघाड़ी में जाने के बाद कांग्रेस एनसीपी का बैठने के बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दे डाइवर्ट होते नजर आए। तो जो शिवसैनिक है या शिवसेना के जो नेता है, जिनका बेस हमेशा से हिंदुत्व को रहा, मराठी मुद्दे को लेकर रहा, वो कहीं ना कहीं दूर होता नजर आया। तो ऐसे वक्त में एक नाराजगी है। साथ ही जिस तरह से पार्टी में अंदरूनी लड़ाई थी और जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इग्नोर किया जा रहा था, एक ये वो मुद्दा था। जो उससे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो लगातार जो उद्धव ठाकरे से मिलने जाते थे, उनका जो कहना था, कुछ उससे हमने बात की थी, तो उनसे मिलते नहीं थे, वक्त नहीं देते थे, ऐसा उनका मानना। जो उनके सामने जो परेशानियां होती थी, वो एकनाथ शिंदे सॉल्व करते थे। तो एकनाथ शिंदे का जो कद लगातार बढ़ता जा रहा था, तो 2022 में और जिस तरह से अंदरूनी लड़ाइयाँ गठबंधन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे शिवसेना का आना, एक पूरा माहौल तैयार हुआ। और ऐसे समय में जब बीजेपी का उनको साथ मिला, एक ऑफर मिला, लोगों की सहमति हुई, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं थी सत्ता में आना, उसके लिए पूरी मेजोरिटी की जरूरत थी, जो एकनाथ शिंदे के साथ थी, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ थी। दरअसल जून 2022 में जब महाराष्ट्र में एमएलसी के 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, सभी पार्टियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से जीत का फॉर्मूला तय था। ये तय था कि बीजेपी को 4, शिवसेना को 2, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को भी 2 सीटों पर जीत मिलेगी। लेकिन खेल तब बिगड़ा जब चुनाव परिणाम में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों को जीत मिली। इससे साफ हो गया था कि बैकडोर से किसी ने तो बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग किए। क्रॉस वोटिंग की सुई जिस तरफ झुकी थी, वही छिपाता शिंदे का उद्धव से बगावत का राज। उद्धव ठाकरे को बताया गया कि कांग्रेस के अलावा उनकी अपनी पार्टी के भी 12 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। उद्धव ने तुरंत विधायकों की मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग से एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायक गायब रहे। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उद्धव एकनाथ शिंदे को नहीं मना सके। 40 से ज्यादा विधायकों ने शिंदे का साथ दिया। उद्धव को समझ में आ गया था कि असली शिवसेना किसके पास है। शिवसेना के कुल 56 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके थे, और अब सूरत के रिसॉर्ट से लौटकर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे थे। एकनाथ शिंदे देश के दूसरे सबसे ताकतवर सूबे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे थे। एकनाथ शिंदे इस विधानसभा चुनाव में साबित कर पाएंगे कि असली शिवसेना उनकी है या उद्धव ठाकरे की? देखिए, 2024 का चुनाव अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, बहुत ही ज्यादा चुनौती है, कि कहीं ना कहीं सहानुभूति का गेम उद्धव ठाकरे के साथ है, शरद पवार के साथ है। लोकसभा का जो नतीजा आया, उन नतीजे में महाविकास आघाड़ी सबसे आगे है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे बहुत ही बेहतर नजर आ रहे हैं महायुति में। तो एक चैलेंजिंग फैक्टर तो है विधानसभा चुनाव में, लेकिन ये फैक्टर बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो चुनाव होते हैं अक्सर अलग अलग मुद्दे पर होते हैं। ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये देश के मुद्दों पर हुआ है, जहाँ पे एक फेस थे नरेंद्र मोदी जी, जिनको पीएम बनाना था, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भले ही इंडिया गठबंधन ने अपने जो नेता उसका खुलासा नहीं किया था, राहुल गांधी माने जाते कि पीएम हो सकते हैं। तो ये दो लड़ाई चल रही थी, तो मुद्दे अलग थे, लेकिन ये तुरंत अलग हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। ये मुद्दे बदल सकते हैं क्योंकि स्थानीक मुद्दों पर हो जाती है। और एक बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर महायुति की सरकार बनती है, तो ऐसे में दोनों के गठबंधन से महाविकास महायुति को फायदा हो सकता है, राज्य के लोगों को फायदा हो सकता है। 1966 में बाला साहेब की बनाई शिवसेना ने पहली बार ऐसी बगावत देखी थी। एकनाथ शिंदे ने 56 साल पहले बनी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना तोड़ दी थी। उद्धव ठाकरे मुंह ताकते रहे। इसके बाद जो हुआ सबने देखा। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ जा चुके थे। 2019 में जीते शिवसेना के 18 सांसदों में ज्यादातर शिंदे के साथ चले गए। नगर पालिकाओं के नेता भी उद्धव का साथ छोड़ने लगे। एकनाथ शिंदे भले शिवसेना से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने स्वर्गीय बाला साहेब की विचारधारा कभी नहीं छोड़ी।
वे खुद को बाला साहेब का असली वारिस बताते रहे। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी के नाम और निशान पर भी अपना दावा ठोका। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को सौंप दिया। एकनाथ शिंदे अब अपने जीवन की सबसे बड़ी सियासी परीक्षा दे रहे हैं। वो बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के साथ चुनावी मैदान में है। एकनाथ शिंदे को महायुति यानी एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। अगर महायुति चुनाव में जीतती और वे दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए, ये बहुत ही कहना मुश्किल हुआ कि एक बार फिर एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा हुआ, सीटों के बंटवारे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रही, तो ऐसे वक्त में अगर उनका बेहतर प्रदर्शन होता है और एकनाथ शिंदे का बेहतर प्रदर्शन होता है और अजीत पवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तभी गठबंधन मिलेगा, मैजिकल फिगर्स होंगे, इसके बाद वो सरकार बनेगी। अगर ये नंबर्स बीजेपी के ज़्यादा होते हैं और शिवसेना के शिंदे के कम होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई मौका देगी या जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, भले ही इस वक्त जो कंडीशन चल रही है जिस तरह से मौजूदा वो सीएम है, तो ऐसे वक्त में महायुति में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, जिसे देखते हुए सभी नेता कहते हैं कि हमारे पास तो सीएम ने बनाया है, हमारे पास फेस है, लेकिन अंदरूनी बात ये मानी जा रही है कि जिसके पास नंबर्स होगा वही सीएम बनेगा और जिस तरह से सीटें दी गई हैं, एक बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है शिंदे साहब के सामने। अगर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले दिन में मौका मिलेगा, लेकिन ये उम्मीदें साफ तौर पर कम नजर आ रही है, क्योंकि सीटों के बंटवारे से साफ नजर आ रहा है कि जिसके ज्यादा सीट होंगे उसी के सीएम बनेंगे। एकनाथ शिंदे की विरासत के तौर पर उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का जिक्र करें, उसके पहले आपको बताते हैं एकनाथ शिंदे के संघर्ष के बारे में। उन्होंने कितनी गुर्बत से निकलकर महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर ओहदे तक का सफर तय किया है। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को सतारा जिले के क्षत्रिय मराठा परिवार में हुआ था। पढ़ाई के लिए शिंदे ठाणे आए, 11वीं तक की पढ़ाई यहीं की। इसके बाद ठाणे के वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दीघे से हुई। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और शिंदे एक शिव सैनिक के तौर पर काम करने लगे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दीघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया। शिंदे अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। शिंदे का कद साल 2001 के बाद बढ़ना शुरू हुआ जब उनके राजनीतिक गुरु आनंद दीघे का निधन हो गया। इसके बाद ठाणे की राजनीति में शिंदे की पकड़ मजबूत होने लगी। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया। यहां भी शिंदे को जीत मिली। इसके बाद शिंदे लगातार 2009, 2014 और 2019 में ठाणे जिले की कोपरी पांच पाकड़ी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। उद्धव सरकार में उन्होंने शहरी विकास मंत्री के साथ ठाणे जिले के प्रभारी मंत्री का कार्यभार संभाला। 30 जून 2022 को उन्होंने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजनेता के लिए उनका जो जीवन था वो काफी मेहनत भरा था, क्योंकि हमने देखा, जो हम जानते हैं, जो हमने सुना है कि थाने से एक छोटे से कार्यकर्ता, एक शाखा प्रमुख से सीएम तक का जो सफर है बहुत बड़ा सफर है। शिंदे साहब के लिए बेहतर ये रहा कि वो लोगों के बीच में रहे, जिसकी वजह से उनकी एक अलग ही छवि बनी है। ऐसे सीएम भी उन्होंने देखा है कि जब उनके पास कोई लेके जाता है कोई भी काम तो उसको प्राथमिकता देते हैं। एक जो कार्यकर्ता वाला जो उनका नेचर है ये उनके लिए प्लस पॉइंट नजर आता है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए आगे की जो रणनीति है वो तय की जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो संघर्ष के दिनों में उन्होंने जो सीखा, एक शाखा प्रमुख से लेकर एक एमएलए बनना, नगर सेवक, एमएलए बनना, मंत्री बनना, सीएम तक पहुंचना, उसके बाद पार्टी के सर्वोसर्वा बनना, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। आज भी जब उनको मौका मिलता है तो अपने गाँव जाते हैं, खेती करते हैं, इस तरह के विजुअल सामने आते रहते हैं।
एक संघर्ष के दिनों से, क्योंकि अभी तक हम जो महाराष्ट्र की राजनीति रही तो हमने देखा कि जो बड़े नाम रहे, जो फैक्टर्स रहे, वो सीएम तक पहुंच रहे थे, लेकिन एक पार्टी तोड़कर पहली बार चुनाव लड़ना, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव को लीड करना, ये बहुत ही बड़ा है, एक संघर्ष ही माना जा सकता है। तो ये संघर्ष के दौर इनके इस तरह से गुजरते रहे और अब तो उनके संघर्ष जो पुराने दौर में थे वो बदल गए, अब तो जिम्मेदारियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तो उन जिम्मेदारियों को किस तरह से आगे निपटाएंगे देखेंगे, और जो 2024 के नतीजे हैं ये बता देंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। जी, एकनाथ शिंदे वो शख्स हैं जिन्होंने ठाकरे परिवार का ना होते हुए भी ना सिर्फ उनकी सत्ता बल्कि पार्टी का सब कुछ उनसे छीन लिया। शिंदे ने बिना किसी राजनीतिक परिवार के होते हुए भी मुख्यमंत्री तक का मकाम हासिल किया है। एकनाथ शिंदे ने साल 2000 में ऐसा पारिवारिक आगाज चला कि उन्होंने राजनीति ही नहीं सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया था। 2 जून 2000 को शिंदे के पैतृक गांव के पास एक लेक में बोटिंग के दौरान उनके बेटे दीपेश और बेटी शुभदा की मौत हो गई थी। दो बच्चों को खोने के बाद एकनाथ शिंदे बुरी तरह टूट गए थे, एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। उनके गुरु आनंद दिघे ने उन्हें संभाला नहीं होता तो वो कब के राजनीति छोड़ चुके होते। एकनाथ शिंदे की छवि शिवसेना में जुझारू और खून पसीना बहाने वाले नेता की रही है। दुखद परिस्थितियों से उबरने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को भी बल दिया। श्रीकांत शिंदे ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन बने। श्रीकांत शिंदे अब राजनीति में है। श्रीकांत शिंदे ने कल्याण लोकसभा सीट से 2014, 2019 और 2024 में जीत दर्ज की है। श्रीकांत शिंदे तीसरी बार सांसद हैं। वो अभी तक नहीं लिया, तो शिंदे साहब ने एक रणनीति तैयार की है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल ये वक्त नहीं आया है कि श्रीकांत शिंदे को आगे किया जाए। अगर ऐसा होता है श्रीकांत शिंदे को आगे करते हैं तो हो सकता है कि जो पार्टी के आला नेता है वो नाराज होता है, तो नाराजगी नहीं होना चाहिए। साथ में जो वरिष्ठ नेता है किस तरह से उनका तालमेल बनना चाहिए ताकि श्रीकांत शिंदे इन फ्यूचर उनके साथ डील कर सके। नई पीढ़ियां भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि इलेक्शंस के लिए उतरे आने वाले चुनावों में या फिर पार्टी में नई जिम्मेदारियां दी जाए, ऐसे बहुत सारे समीकरण नहीं बने थे। इस वक्त तो उनके पास वक्त है, 15 साल का वक्त काफी कम नहीं होता है, 3 बार के सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे वक्त में पार्टी का गुण सीखना, पिता के जो रोल है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना, बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने खड़ी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसा लगता है कि एक माहौल जरूर बनाया जाएगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां श्रीकांत शिंदे को दी जा सकती है। 2 साल पहले मराठी भाषा में एक फिल्म बनी थी, नाम था धर्मवीर। ये फिल्म स्वर्गीय आनंद दिघे की बायोग्राफी पर आधारित थी जिसमें मशहूर मराठी अभिनेता क्षितिज दाते ने एकनाथ शिंदे का रोल किया था। एकनाथ शिंदे के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी विरासत को समझने समझाने में काफी सफल रही थी वो फिल्म। लोकतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, एकनाथ शिंदे ने इस भ्रम को तोड़ा है। तो 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्हें शेष भारत परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। एकनाथ शिंदे की विरासत को उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कितना आगे ले जाते इस पर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की नजर बनी रहेगी। नमस्कार, विरासत के अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के किसी और ताकतवर राजनीतिक परिवार की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।